देखिए यहाँ पर राहुल गांधी जो है वो आ रहे हैं, देखिए यहाँ पर राहुल गांधी जो है वो आ रहे हैं। सर 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 देखिए देखिए लोगों की भीड़ देख सकते हैं, राहुल गांधी का जो काफिला है वो यहाँ से निकल रहा है, पूर्णिया के लिए प्रस्थान कर रहा है। देख सकते हैं राहुल गांधी के जो समर्थक हैं, देख सकते हैं किस तरीके से राहुल गांधी यहां से निकल रहे हैं और अब जो है यात्रा जो है पूर्णिया के लिए प्रस्थान करने वाली है। तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो है बिहार में इंटर कर चुकी है, बंगाल के बाद जो है अब यात्रा बिहार में प्रवेश कर चुकी है और यहीं जो है राहुल गांधी जो है रात में ठहरे हुए थे और आज जो है सुबह 8:30 बजे वो पूर्णिया के लिए प्रस्थान करेंगे और पूर्णिया में जो है ये सभा होने वाली है। देख सकते हैं यहाँ पर जो कांग्रेसी नेता है वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और यहीं कॉलेज के कैंपस में जो है ये राहुल गांधी जो है से रात में रुके हैं और अब जो है उनकी यात्रा जो है 8:30 बजे जो है यहीं से प्रस्थान करने वाली है पूर्णिया के लिए। मैं आपको बता दूं कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो है जो कि 14 जनवरी से शुरू हुई है और ये जो यात्रा है वो मणिपुर से शुरू हुई है और ये यात्रा जो है मुंबई तक जाने वाली है। कुल जो है 66 दिन की ये यात्रा है और मैं आपको बताऊं तो यहाँ अररिया में पूरा जो है कहें तो लोगों की भीड़ इतनी ज़्यादा है कि हम आपको आगे भी दिखाने का प्रयास करेंगे और यहीं जो है राहुल गांधी रुके हुए हैं और अभी कुछ देर में जो है राहुल गांधी वो जो है से बाहर आएंगे, उस वक्त की तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले देख सकते हैं कि सारी तैयारी जो है यहां पर की जा चुकी है। आपको पता होगा, शायद आपको याद होगा कि इससे पहले जो है राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा किया था जो कि पैदल यात्रा थी वो, और वो जो यात्रा थी वो कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा थी और कुल जो है 3500 किलोमीटर राहुल गांधी जो है वो पैदल चले थे। तो फाइनली जो है अब जो है कहें तो बिहार से जो है यात्रा बिहार में प्रवेश कर चुकी है और बिहार में जितने भी कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं वो कहीं ना कहीं राहुल गांधी से मिलने के लिए, देख सकते हैं यहाँ पर लोगों की जो भीड़ है वो आपको यहाँ पर दिख रही होगी और यही वो जगह है जहाँ से अभी कुछ देर बाद जो है राहुल गांधी बाहर आएंगे। उस वक्त भी हम बात करने का प्रयास करेंगे, हम पूछने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो है इस यात्रा का क्या उद्देश्य है। हालाँकि राहुल गांधी की जो सभा थी वो कल जो है किशनगंज में सभा हुई, किशनगंज में सभा होने के बाद जो है यहाँ पहुँचे हैं और यहाँ उन्होंने रात्रि विश्राम किया है, रात में यहीं होल्ड किया है। ये देख सकते हैं ये यादव डिग्री महाविद्यालय है अररिया का और यहीं पे राहुल गांधी रात में रुके हैं और अब जो है वो 8:30 बजे यहाँ से प्रस्थान करेंगे जो है पूर्णिया के लिए। किशनगंज में जो कल सभा हुई उस सभा में अगर कहें तो राहुल गांधी ने जो बिहार में नई सरकार बनी है यानी कि नीतीश और जो है से एनडीए का जो गठबंधन हुआ है इस पर एक शब्द भी उन्होंने नहीं कहा है। हालांकि वो अपने भाषण में जो है कहें तो केंद्र सरकार यानी मोदी पर जो है निशाना साधा है। अब यह देखना है कि आज जो सभा होने वाली है उसमें राहुल गांधी जो है बिहार को लेकर या बिहार में जो नई सरकार है उसको लेकर वो क्या कहने वाले हैं।